गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल. आइसोसेलस दिया है यानी कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. अब कौन सी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा. In which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. यानी equal sides हैं AC and AB. AB side is equal to AC side. ये आपको given हो गया. And altitudes का क्या मतलब होता है students? Altitudes means perpendicular डाला गया है. BE is perpendicular to. देखिए हमने बनाया, अगर ये figure ना भी बनी हो तो आप खुद से बना सकते हैं. एक ट्राइंगल ABC बनाइए, इक्वल साइड्स ACAB आपको पता ही चल गई. BE मतलब B से परपेंडिकुलर डाला टू द ऑपोजिट साइड, ऑटोमेटिकली इट विल बी AC. तो BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB. अगर ये फिगर ना भी बनी हो तो भी आप खुद से बना सकते हैं. तो गिवन हो गया आपको ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB. This is given to you. To show या to prove is show that these altitudes are equal. यानी कि to prove हो गया आपके पास BE is equal to CF. This is to be proved. अब ये कैसे prove होगा देखिए. आपने जो theorems पढ़ी हैं उन्हीं को use करना है हमने. In triangle ABE, ये दो triangles ले लीजिए क्योंकि हमें BE चाहिए ना. ABE, ACF. अब ABE और ACF में देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री BEA एंगल, इधर CFA एंगल 90 डिग्री बिकॉज दीज आर अल्टीट्यूड्स. एंगल ए एंगल ए कॉमन टू बोथ दीज ट्राइंगल्स. एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ बाय ए ए और एस ए बी साइड, इसी तरह यहाँ भी ए 90, ये ए और ये ए सी एस, तो बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? ABE is congruent to ACF. जब ये दोनों triangles congruent हो गए तो इनकी corresponding sides BE is equal to CF. ठीक है, CPCT से BE is equal to CF और यही हमें equal prove करना था. इसी question का बिल्कुल converse है question number 4. कन्वर्स का मतलब जो इस क्वेश्चन में गिवन दिया है वो टू प्रूव है क्वेश्चन नंबर 4 का, और जो टू प्रूव दिया है वो गिवन हो गया. देखिए यहाँ आपको दिया है ट्राइंगल ए बी सी इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू द साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल. यानी एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया, बी ई अल्टीट्यूड बनाई अपोजिट साइड्स पे ए सी पे पड़ेगी, सी एफ अल्टीट्यूड बनाई अपोजिट साइड यानी कि ए बी पर पड़ेगी, सी से जा रहा है तो ए बी पर आ जाएगा. टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दो चीज़ें हमें टू प्रूव है. देखिए अगेन बिल्कुल सेम वही दो लेंगे ट्राइंगल्स हम, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ. अब देखिए एंगल ए एंगल ए दोनों में कॉमन, ये अल्टीट्यूड दिया है तो 90 इधर और इधर, और जो साइड हो गई वो हो गई आपको बी ई एंड सी एफ, है ना. इन विच अल्टीट्यूड बी सी एंड सी एफ टू द साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ. तो अब आपने ले लिया बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि ए ए और एस बी ई, एंगल ए एंगल ई और बी ई, इसी तरह से यहाँ पे भी एंगल ए, ये वाला एंगल एफ और सी एफ. तो ए ए एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी
दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस क्योंकि दो साइड्स इक्वल है. आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.